रिसेंटली बजाज ने फिर से इसकी डिमांड को देखते हुए इसको फिर से लॉन्च किया हुआ है। स्पेसिफिक 150 के ऊपर जितनी भी वेरिएंट यहाँ पे आपको दो हॉर्न दिया जा रहा है। तो अगर मैं इस तरफ से आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे मेरा टिप तो हो रहा है बट हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, वी आर बैक विद द लेजेंडरी पल्सर 220F। बहुत टाइम के बाद पल्सर ने अपनी 220 को लॉन्च किया है और गाइस 220 लॉन्च होने के बाद इसका जो मार्केट डिमांड है वो पहले से भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। सो गाइस, इसके लिए आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं पल्सर 220F जो रिसेंटली 2023 में लॉन्च हुई है विद द न्यू स्पेसिफिकेशन विद द BS6 न्यू वेरियंट इंजिन। एंड सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम लोग वीडियो को चालू करते हैं और आप से रूबरू करवाते हैं इसके स्पेसिफिकेशन क्या है, इस गाड़ी में क्या खूबी है, क्या खामी है और क्या प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से आप इस गाड़ी को चूज कर सकते हो। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस ब्लॉग आई वुड लाइक टू थैंक्स क्लासिक बजाज फॉर हेल्पिंग मी आउट। सो गाइस, अगर आपको भी बजाज की और कोई बाइक चाहिए तो फिर आप शोरूम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो और गाइस कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको कुछ भी क्वेरी रहता है तो आप शोरूम पे बेझिझक फोन करके क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बजाज पल्सर 220F जो कुछ दिन पहले बंद हो गया था बट रिसेंटली बजाज ने फिर से इसकी डिमांड को देखते हुए इसको फिर से लॉन्च किया हुआ है और इसके लिए हम आपके लिए लेकर आए इसकी फुल रिव्यू। सो गाइस, स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट पे यहाँ पे आप देख सकते हो वही पुराना लुक्स को दिया गया है और यहाँ पे गाइस यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपको दो दो हेडलैम्प देखने को मिल जाती है। ये जो है ये अपर में काम करती है और यहाँ पे बल्ब देखने को मिल जाती है और नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाती है गाइस, और ये डिपर का काम करता है और यहाँ पे देख सकते हो पायलट हेडलैम्प भी दिया हुआ है जो DRL का काम करता है। और उसी के साथ गाइस अगर यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बल्ब इंडिकेटर दिया जा रहा है और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो वही पुराना डिजाइन का यहाँ पे विंडशील्ड दिया जा रहा है और उसके विंडशील्ड के ठीक ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो मिरर्स भी दिया जा रहा है। सो गाइस, अगर सस्पेंशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाती है गाइस। और उसके बाद यहाँ पे अगर ब्रेकिंग के बारे में बात करें तो फ्रंट में आपको ABS के साथ डिस्क ब्रेक देखने को मिल जा रही है गाइस। और अगर टायर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो यहाँ पे आपको 90x90 सेक्शन की 17 इंचेस वाली ट्यूबलेस टायर दिया जा रहा है और उसी के साथ गाइस यहाँ पे आपको एलॉय व्हील्स भी देखने को मिल जाती है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द इंजन, द हार्ट ऑफ दिस बाइक, यहाँ पे आपको 220cc की सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 2-वाल्व ट्विन स्पार्क इंजन देखने को मिल जाती है और तो और गाइस यहाँ पे आपको ऑयल कूलिंग भी देखने को मिल जाती है। और ये जो इंजन है आपको 20.4 PHP की पावर और उसके साथ 18.55 NM ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करके दे सकती है जो कि आपको मिनिमम से 140 से लेकर 150 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड अचीव करने में मदद कर देती है। और गाइस अगर ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है गाइस। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द रियर साइड ऑफ दिस बाइक, पीछे से आप देख सकते हो बाइक काफी सही लग रही है और काफी कूल शार्प डिजाइन के साथ यहाँ पे टेल लैम्प दिया गया है और यहाँ पे टेल लैम्प का जो सेटअप है यहाँ पे आपको LED सेटअप के साथ टेल लैम्प देखने को मिल जाती है गाइस। और उसी के साथ यहाँ पे आपको वही पुराना सा हैलोजन इंडिकेटर देखने को मिल जाती है, हालांकि यहाँ पे आपको एक पीछे रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाती है गाइस। एग्जॉस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो यहाँ पे आपको सिंगल मफलर एग्जॉस्ट देखने को मिल जाती है और एग्जॉस्ट नोट हम लोग कुछ ही टाइम में आपको सुनाने वाले गाइस। रियर ब्रेकिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो वही आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है गाइस और उसी के साथ यहाँ पे आपको ABS भी देखने को मिल जा रही है गाइस। और अगर गाइस रियर टायर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको वही ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाती है बट यहाँ पे आपको 120x80 सेक्शन की 17 इंचेस वाली ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जा रही है गाइस। और उसी के साथ गाइस यहाँ पे आपको एलॉय व्हील्स भी देखने को मिल जाती है। रियर सस्पेंशन के बारे में बात करें तो गाइस यहाँ पे आपको नाइट्रॉक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन देखने को मिल जाती है जो कि 5-स्टेप एडजस्टेबल है गाइस। और तो गाइस यहाँ पे आप चेक कर सकते हो यहाँ पे आपको सारी गाड़ी प्री इंस्टॉल देखने को मिल जा रही है। और अगर चेन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ओपन चेन दिया जा रहा है और अगर स्विम आर्म के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बॉक्स गरम देखने को मिल जा रही है गाइस। अगर गियरबॉक्स के बारे में बात करते हो यहाँ पे आपको 5-स्टार एडजस्टेबल गियरबॉक्स देखने को मिल जाती है जो कि 1 डाउन और 4 अप में वर्क करती है गाइस। और उसी के साथ गाइस अगर यहाँ के अगर सीट कुशनिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको काफी सही सीट कुशनिंग देखने को मिल जाती है गाइस। और जो फोम यूज किया गया है वो काफी सही फोम है, मतलब आप आसानी से 100-150 किलोमीटर तो रन कर ही सकते हो इस सीट में बैठ के। और गाइस अगर यहाँ पे फ्यूल टैंक के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 15 लीटर का मैसिव फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है गाइस और यहाँ पे आपको 2.5 लीटर का
रिजर्व फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी देखने को मिल जाती है। अगर इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, टैकोमीटर, फ्यूल मीटर, लो इंजन ऑयल लेवल, इंजन मल फंक्शन इंडिकेटर और आरपीएम लिमिट इंडिकेटर भी देखने को मिल जाती है। उसी के साथ गाइस यहाँ पे आपको न्यूट्रल, लेफ्ट राइट इंडिकेटर, लो बीम, हाई बीम और एबीएस सिग्नल इंडिकेटर लाइट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। सो गाइस अगर हैंडल बार के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंडल बार में लो बीम, हाई बीम, लेफ्ट राइट इंडिकेटर और हॉर्न स्विच यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। और उसी के साथ गाइस अगर राइट हैंडल बार के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच और उसी के साथ इलेक्ट्रिक स्टार्ट बटन भी देखने को मिल जाती है। गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे गाड़ी पे आप देख सकते हो दूसरे गाड़ी पे एक ही हॉर्न दिया जाता है, बट यहाँ पे पल्सर की स्पेसिफिक 150 के ऊपर जितनी भी वेरियंट यहाँ पे आपको दो हॉर्न दिया जा रहा है। आप यहाँ से चेक कर सकते हो, एक हॉर्न यहाँ पे और दूसरा वाला जो हॉर्न है गाइस यहाँ से आप चेक कर सकते हो यहाँ पे दिया जा रहा है। और तो और गाइस यहाँ पे ऑयल कूलर का रेडिएटर जो है यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। और उसी के साथ गाइस यहाँ पे को इंजन ग्रिल दिया जा रहा है जो कि आपकी कैटालिटिक कन्वर्टर को भी प्रोटेक्ट करती है गाइस। और तो और गाइस बजाज पल्सर 220F में यहाँ पे आपको साइड स्टैंड दिया जा रहा है जिसके साथ आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी देखने को मिल जाती है। और तो और गाइस यहाँ पे आपको डबल स्टैंड भी देखने को मिल जाती है। सो गाइस पल्सर 220F में आपको 795mm की सीट हाइट देखने को मिल जाती है और मेरा हाइट है 5'4", तो उस रिगार्डिंग आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि मेरा पैर इसमें कितना आ रहा है। तो अगर मैं इस तरफ से आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे मेरा टिप तो हो रहा है, बट यहाँ पे मतलब पूरा अगर ग्राउंड लेवल को टच कर रहा है, तो मैं भैया से रिक्वेस्ट करूँगा इस तरफ से आके ये पैर भी एक बार दिखा दे। तो गाइस यहाँ से आप चेक कर सकते हो यहाँ से टिप तो हो रहा है। तो गाइस अगर आपकी हाइट है 5'2", 5'1" या फिर 5 है तो आप इस गाड़ी को आसानी से चला सकते हो। मतलब अगर आपकी हाइट 5 फीट से ऊपर है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इस गाड़ी को आसानी के साथ चला सकते हो। बट अगर आपकी हाइट थोड़ी से कम है तो फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट डेफिनेटली आप इसको आराम से चला सकते हो। और गाड़ी की पावर मेरे को काफ़ी सही लगा और अभी कुछ ही देर में हम लोग इस गाड़ी के और भी रिव्यूज़ देने वाले हैं व्हाइल राइडिंग दिस बाइक। और उससे पहले गाइस आप लोगों को एग्जॉस्ट नोट डेफिनेटली हम लोग सुनाने वाले हैं, तो वो तो काउंटडाउन ऑफ 3, 2, 1। गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों को शायद पता ही होगा कि मैं कितना वर्स्ट कंडीशन से निकल के एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में जाके फिर आप लोगों से रिव्यू प्रोवाइड करता हूँ कि ये गाड़ी जो है वो आपके लिए लेना सही रहेगा कि नहीं। इसका परफॉर्मेंस स्पेशली मैं चेक करता हूँ हर एक रोड कंडीशन में, इवन दो ये ऑफ रोड हो या फिर ऑन रोड हो, हाईवे हो या फिर रोड हो या फिर ऑफ रोड हो, हर एक तरीके की टैंस में मैं चला के फिर आप लोगों को रिव्यू प्रोवाइड करता हूँ गाइस। सो हमारी जो रिव्यू होती है वो तो ऑथेंटिक होती है गाइस। इसी प्रकार हम इस वीडियो को लेकर आए हैं आप सभी को दिखाने के लिए कि हम कितना एक्सट्रीम तक जाके हम रिव्यू करते हैं, ताकि आप लोग जो बाइक ले, आप लोगों का जो पैसा डाल रहे हो बाइक के पीछे वो सही हो। और गाइस यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये जो रोड है ये धूल मिट्टी वाला रोड है, इवन यहाँ पे कंकड़ पत्थर, तो अगर ब्रेक भी करते हो तो टायर कितना स्कीड करती है, उसका ABS कितना काम कर रही है, सब इसी वीडियो में गाइस हम आपको बताने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा और हम लोग अभी हाईवे पे जाने वाले, उसके थोड़ी देर चलाने वाले, फिर आप लोगों से शेयर करने वाले कि ये जो गाड़ी है ये ऑफ रोड पे कैसे परफॉर्म करती है, रोड पे कितना परफॉर्म करती है, हाईवे पे कैसे परफॉर्म करती है। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जहाँ से चला के आए थे तो वो बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका था, तो ऑलमोस्ट लाइक 30 मिनट लगा हम लोगों को उस रोड को क्रॉस करने में। और सामने ऑफ रोड आप देख ही रहे हो, तो ऑफ रोड को क्रॉस करता हूँ और हाईवे पे जाके फिर मिलता हूँ आप लोगों से। सो गाइस 1 घंटे से 1.5 घंटा हो चुका है मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ और मैंने इस गाड़ी को हर एक टेरेन पे चलाया, ऑफ रोड पे चलाया, रोड पे चलाया, अब भी रिसेंटली मैं हाईवे पे आया हूँ और हाईवे पे आने के बाद मेरा 20 से 40 मिनट तो हो ही चुका है गाइस। और गाइस मैं जब से हाईवे पे आया हूँ मेरे को मतलब गाड़ी रुकाने का मन ही नहीं कर रहा था, तो रिसेंटली हम लोगों ने गाड़ी को घुमाया और सोचा कि आप लोगों के लिए एक रिव्यू शूट कर लूँ। सो गाइस अगर आप प्लान कर रहे हो बजाज पल्सर 220F को खरीदने के लिए, सो गाइस मैं डेफिनेटली आपको बोल सकता हूँ अगर आपने कुछ सोच के इसका डिसीजन लिया है ये इसको लेने का, तो फिर डेफिनेटली आपका डिसीजन सही है। और अभी मेरा ओपिनियन मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, गाड़ी का थोड़ा रिस्पॉन्स मेरे को काफी ज्यादा सही लगा। BS4 में जैसे कि टॉक था इसमें भी वही टॉक वही पावर है, और स्पेशली इसका इंजन कैपेसिटी तो माय गॉड सही में बहुत खतरनाक है। और उसके ऊपर से गाइस ये जो पल्सर 220F है इसका मतलब एक तो इंजन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है और ये विंडशील्ड होने की वजह से गाइस आपका जो हवा है वो उसके ऊपर से चला जाता है। हालांकि मैंने मोटोक्रॉस हेलमेट लगाया तो इसके वजह से शायद मतलब इसके ये मेरा मुंह तक टच नहीं कर रहा है, हवा यहाँ से टच करके बाहर निकल जा रहा है। और गाइस इसका
इसका टोटल रिस्पॉन्स मेरे को माशाल्लाह बहुत सही लगा। ब्रेकिंग के बारे में अगर बात करूँ तो ब्रेकिंग भी बहुत क्रंचेस है और इस वाली वेरियंट में स्पेशली डुअल चैनल एबीएस के साथ डुअल डिस्क है। डुअल चैनल एबीएस और डुअल डिस्क के साथ इस गाड़ी की ब्रेकिंग सिस्टम और भी तगड़ी हो जाती है, तो फिर आपको डंडे की कोई ज़रूरत नहीं है बारिश का सीज़न हो या फिर कहीं ऑफ रोड हो। सो गाइस अभी सिटिंग पोस्चर के बारे में अगर बात करें तो इसका सिटिंग पोस्चर जो है स्पोर्ट्स सेगमेंट में जैसे सिटिंग पोस्चर होता है वैसे ही है, बट ये ज़्यादा लीन होकर आपको बैठना नहीं पड़ता। इसका जो सिटिंग पोस्चर है ये नॉर्मल सिटिंग पोस्चर जैसे है, तो हालांकि आप 100-150 किलोमीटर आराम से खींच सकते हो, आपको बैक पेन नहीं होने वाला है। बट एज इट इज़ अ स्पोर्ट मोटरसाइकिल गाइस, इसका टॉप एंड बहुत सही है। लास्ट जब मैं आ रहा था मैंने इसको 140 तक टच करवाया, लिटरली गाड़ी में कोई वाइब्रेशन नहीं है, ऐसा एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि भाई गाड़ी तेरा साथ नहीं दे रहा या फिर ऐसा कुछ भी। RPM मीटर एकदम नॉर्मल था, एवरीथिंग इज नॉर्मल। हालांकि ये नया गाड़ी है और नया गाड़ी होने के साथ साथ इसका जो स्मूथनेस है पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। हालांकि पहला वाला जो वेरियंट था उसका इनिशियल टॉक थोड़ा सा ज़्यादा था, बट इस वाली वेरियंट में इनिशियल टॉक थोड़ा सा कम है, उससे थोड़ा सा कम है गाइस। अगर आप ज़्यादा नोटिस नहीं करते आपको पता भी नहीं चलने वाला है, बट इसका जो हाई एंड है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है गाइस। मतलब पहले वाला वेरिएंट का पावर ऑब्वियसली ज़्यादा है BS4 का, बट ये उससे इतना भी कम नहीं है। सो गाइस फिलहाल अगर सीट के बारे में बात करें तो यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बोला है जो सीट कुशनिंग है वो काफ़ी सही सॉफ्ट कुशनिंग है, तो फिर अगर आप एक्सटर्नल कोई कुशनिंग या फिर कुछ कवर नहीं भी लगाते हो तो भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। आपको यहाँ पे जो भी सीट कुशनिंग दिया जा रहा है गाइस काफ़ी सही सीट कुशनिंग है गाइस। अब तक मैं 50-60 किलोमीटर तो चला ही चुका हूँ और मेरे को शोरूम जाते जाते और भी लाइक 45-50 किलोमीटर चलाना पड़ेगा, तो अभी तक तो मेरे को बैक पेन का कोई भी इशू नहीं आया या ऐसा भी कुछ नहीं लग रहा है कि मेरा रिस्ट में पेन कर रहा है गाइस। एवरीथिंग इज नॉर्मल, आप इसको लेके आराम से राइड पे भी जा सकते हो और अगर डेली कम्यूटेटिंग के लिए ले रहे हो तो भाई डेफिनेटली ले सकते हो, इतना ज़्यादा पावर है तो फिर आप संडर राइड का भी मज़ा ले सकते हो। और उसी के साथ गाइस अगर सिटी राइड के बारे में आप सोच रहे हो तो फिर आप डेफिनेटली गाइस हर रोज सिटी राइड कर सकते हो विदाउट हैविंग एनी ट्रबल। एंड बजाज का जो ट्रस्ट बिल्ड हुआ है मार्केट में अगर आपको पता ही होगा, सो आप डेफिनेटली बजाज के साथ जा सकते हो विदाउट हैविंग एनी सिंगल काइंड ऑफ ट्रबल। डेफिनेटली गाइस आप आग बंद करके जाके बजाज पल्सर 220 एफ ले सकते हो, और अगर कोई हिलचस्प देख रहा है तो डेफिनेटली गाइस वो क्लासिक बजाज के साथ कॉन्टेक्ट कर सकता है फॉर हिज पल्सर 220 एफ। एंड इसी के साथ हम इस वीडियो के यहीं पे एंड करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दियो लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दियो सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे ऐसी और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। गाड़ी में आपको डुअल हॉर्न देखने को मिल जाती है गाइस, तो उसी के साथ हम एक बार आपको हॉर्न का साउंड भी चेक करवाएंगे ऑन द गो में, ताकि आप भी इसका लुत्फ उठा सको और आप जस्टिफाई कर सको कि ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो विद अ काउंट डाउन ऑफ 3-2-1 गो। सुना गाइस, काफी सही एंड स्वीट सा हॉर्न है।